क्या थ्री इडियट्स का पार्ट टू आने वाला है? क्योंकि ये वाला वीडियो वायरल होने के बाद सभी जगह एक ही न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि भाई तीनों एक साथ फिर से हमें देखने को मिलेगा, और सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है कि भाई हमें वो मूवी देखना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वीडियो है प्रॉपर प्लानिंग से बनाया गया है। इस तीनों एक्टर में से एक एक्टर का नाम है जिसका नाम है सलमान जोशी। उसका एक नया मूवी आ रहा है जिसका नाम है कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस मूवी को एज अ प्रमोशन के लिए इस वीडियो को प्लानिंग से बनाया गया है जिससे सारे लोगों का अट्रैक्शन खींच सके। और सच में ये वीडियो सारे लोगों का अट्रैक्शन ले चुका है क्योंकि 13 साल के बाद रैंचो फारन और राजू एक साथ, सच में यार एक अलग ही इमेज क्रिएट हो रहा था दिमाग में कि अगर फिर से यार थ्री इडियट्स के रोल में जो इस तीनों को अगर देखने को मिल जाए तो यार बात ही कुछ अलग ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को ट्विटर पे अपलोड किया गया था, सलमान जोशी ने अपने ट्विटर आईडी पे इस वीडियो को अपलोड किया था एज अ प्रमोशन डिजाइन। ठीक है, मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे लोगों का ध्यान खींच सके, और ऐसा ही कुछ हुआ। तो वीडियो में इतना आपको बताना था, बहुत तेजी से वायरल चल रहा था, बहुत जल्दी से मतलब स्प्रेड हो रहा था, तो मैंने सोचा इसका असली सच आपको बता देते। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।